और रेवाड़ी से दिल्ली के बीच आज से इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हरी झंडी दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक ट्रेन से लोगों के समय की बचत होगी और प्रदूषण में भी कमी होगी और कई सुविधाओं से लैस भी है ये इलेक्ट्रिक ट्रेन। रेवाड़ी से दिल्ली के बीच में चलेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। समय की बचत होगी इस ट्रेन से और प्रदूषण में भी कमी होगी। कई सुविधाएं भी हैं इस इलेक्ट्रिक ट्रेन में। वाईफाई है, सुविधाएं सहूलियत होगी इस इलेक्ट्रिक ट्रेन से लोगों को। श्याम बाटला जुड़ गए हैं। श्याम बाटला, रेवाड़ी से दिल्ली की तरफ चलेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन और बड़ी खासियत है, जरा खासियत के बारे में तफसील से जानकारी दें। जी पूजा, देखिए आपको बताना चाहूंगा, 2014 के अंदर प्रस्ताव रखा गया था रेवाड़ी से दिल्ली इलेक्ट्रिक ट्रेन का, जबकि अहमदाबाद में पहले ही उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका था। तो अहमदाबाद से दिल्ली को जोड़ना था, अलवर तक का भी कार्य पूरा हो चुका, लेकिन 18 में ये काम पूरा होना था, तकनीकी खराबियों के कारण, खामियों के कारण ये कार्य पूरा नहीं हो पाया, जो अब पूरा कर दिया गया है। आज राव इंद्रजीत रेवाड़ी से दिल्ली के बीच में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का आज उद्घाटन करेंगे हरी झंडी दिखाकर। और आपको बता दें कि 500 करोड़ रुपए की इस परियोजना पर खर्च आया है और इसमें रेवाड़ी से दिल्ली जो डेली पैसेंजर जाते हैं, रोज हजारों की संख्या में नौकरी पेशा लोग जाते हैं, उनको काफी सुविधा मिलेगी। और ये जो है डिस्प्ले कोच होंगे सभी इसके अंदर, कोच का नाम लिखा होगा, उसके नंबर्स लिखे होंगे और वाईफाई की सुविधा से लैस होगा। जी बिल्कुल, लोगों को भी बेसब्री के साथ इंतजार होगा इस इलेक्ट्रिक ट्रेन का। शाम लोग कैसे उत्साह में है इस समय? पूछे देखिए, काफी पुरानी मांग थी क्योंकि रेवाड़ी दिल्ली के बीच में जो ट्रेन चलती है वो लगभग 2.5 घंटे का समय लेती है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक ट्रेन के चलने से ये मात्र 1.5 घंटे का ही सफर तय कर पाएंगे लोग रेवाड़ी से और दिल्ली के बीच में। और रोज हजारों की संख्या में दैनिक यात्री जाते हैं, नौकरी पेशा लोग जाते हैं, जिनको काफी सुविधा होगी और उन्होंने काफी उत्साह है इस चीज को लेकर कि आज पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है रेवाड़ी और दिल्ली के बीच में चलेगी। जी चलिए, शुक्रिया आपका श्याम बाटला, अपडेट लेंगे इस खबर पर आगे आपसे।